ॐ श्री परमात्मने नमः अथ षोडशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायतपवार्जवम् फीडबैक ज़्यादा दे फीडबैक ज़्यादा दीजिए फीडबैक अहिंसा सत्यमक्रोधः त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् आदवं रीरचापलम् तेज क्षमादृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो विमानश्च क्रोधापारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी और कम करें देवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माशु च संपदं देवी अभिजातोसि पांडव अभिजातोसि पांडव अहिंसा बहुत ज्यादा है ना अहिंसा अहिंसनम प्राणिनाम पीड़ावर्जनम सत्यम अप्रिय अंध्रत वर्जितम यथा भूतार्थ वचनम अक्रोधः परैः आकृष्टस्य अभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम् त्यागः सन्यासः पूर्वदानस्य उक्तत्वात् शान्तिः अन्तःकरणस्य उपशमः अपैशुनम् अपिशुनता परस्मै पररन्ध प्रकटीकरणं पैशुनं तद् अभावः अपैशुनम् दया कृपा भूतेषु दुःखितेषु अलोलुप्त्वम् इन्द्रियाणां विषयसन्निधौ अविक्रिया आर्दवं मृदुता अक्रौर्यम् ह्रीः लज्जा अचापलम् असति प्रयोजने वाक्पाणिपादादीनाम् अव्यापारयितृत्वम् सो दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति की चर्चा चल रही थी। जो चित्त को प्रसन्न करे जो चित्त को स्वाधीन करे वह दैवी संपत्ति है। जिसके कारण चित्त में छिपाव या दुराव जिसके कारण चित्त में पराधीनता जिसके कारण चित्त में आत्मविश्वास की कमी होने लगे
तब समझना चाहिए कि ये जीवन में कोई ना कोई आसुरी संपत्ति मेरे आ गई है। अभी तक हम लोगों ने कितनी दैवी संपत्ति देखी, मेरे ख्याल से कितना, अभयम सत्व संशुद्धि ही, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम, कितने हो गए? 11। तो कल हमारी आपकी बात पूरी हो गई अहिंसा पे, अहिंसा के तीनों लेवल पर क्या व्याख्या हो सकती है। अब जो जो इसके आगे की वैल्यू है वो है सत्यम। सत्य का लेना देना, मैं जैसे कल कह रहा था, पूरा का पूरा वाणी से ही लेना देना है। अच्छा, वाणी का व्यवहार में कितना रोल है? पूरा जो व्यवहार है दिन भर का, मतलब जब पूरा व्यवहार कह रहा हूं मैं, तो आपको पता लगेगा कि 80-90% जो पूरा व्यवहार है वो किस पे टिका है? वाणी पर। तो आप कह सकते हैं कि पूरा व्यवहार वाणी पे ही केंद्रित है। यदि वाणी संयमित हो जावे तो पूरा का पूरा व्यवहार भी क्या हो गया? संयमित हो गया। अब वाणी पर शासन किसका होना चाहिए? मतलब ऐसा बोलते हैं कि वाणी पर जो नियामक होना चाहिए, वाणी का जो राजा होना चाहिए, वाणी पर जो शासन करे, जिसके अंतर में वाणी होवे, ऐसा कह लें कि वाणी का मालिक कौन होना चाहिए। वाणी का जो शासक है, नियामक है, वह तो सत्य है। मैं इसलिए हित नहीं कह रहा हूं, मैं हित की बात बोलूं लेकिन वह सत्य ना होए, यह संभव है? मतलब हित की बात यह है कि आपको कोई प्यार नहीं करता तो आप सन्यासी बन जाओ। अच्छा जी, तो इस हित की बात तो आपने बोली, लेकिन क्या उसके लिए यह सत्य है? इसलिए वाणी पर जिसका शासन होना चाहिए, जो नियामक तत्व है, वो कौन है? वह तो सत्य होना चाहिए। देखो जी, अब भाष्यकार देखो बहुत सुंदर इसमें स्पष्ट करते हैं, सत्यम मिल गया आपको, इंदुस पहला ही पैरा है। सत्यम बोले क्या है? वाणी का जो सत्य है, वाणी का जो श्रृंगार है, देखो जी इसको बोलते हैं ना साधु लोग, तो इसको इतना सुंदर से बोलते हैं कि जैसे एक सामान्य जीव अपने शरीर को सजाता है, साफ रखता है, सुथरा रखता है, सजाता है, और कब सजाता है? बोले डेली सजाता है, क्योंकि डेली गंदा हो जाता है। जैसे व्यक्ति अपने शरीर को सजाता है, ऐसे ही उसको अपनी वाणी को भी क्या करना चाहिए? सजाना चाहिए। बोले वाणी को भी सजाते हैं? बोले हाँ। वाणी के जो आभूषण होंगे जिसके कारण वो सजेगी वाणी, वो क्या है? अब वाणी तो कंठ से ही निकलेगी, और क्या सजेगी? लेकिन भगवान भाष्यकार कहते हैं वाणी, देखो क्या लिखते हैं, एक तो पहली चीज बोलते हैं अप्रिय अनृत वर्जितम, सीधा सा प्रहार करते हैं
वाणी में ये दो चीजें तो एकदम नहीं होनी चाहिए, एकदम मतलब सीधा प्रहार है, मना किया, मतलब सीधा ही मना कर दिया कि ये दोनों चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए। बोले क्या नहीं होनी चाहिए? बोले अप्रिय अंदृत वर्जितम। वाह, वाणी में अप्रियता नहीं होनी चाहिए। जब उल्टा कर लें फिर क्या होनी चाहिए? मतलब वाणी निकले तो प्रिय ही निकले, इसके अलावा दूसरा और कोई चारा ना हो। अगर आप कल्पना कीजिए फिर कैसा व्यक्ति होगा वो। वाणी निकले तो सिर्फ प्रिय ही निकले, वरना ना निकले। अब वो एक चिंतन का विषय है कि क्या सदैव प्रिय वाणी निकल सकती है, या हमारे लिए और दूसरे लिए प्रियता मतलब क्या, ये एक अलग विषय होगा। लेकिन भाष्यकार ने वर्जितम शब्द कहकर स्पष्ट कर दिया कि वाणी में अप्रिय नहीं होना चाहिए और वाणी में अंदृत नहीं होना चाहिए। अंदृत मतलब, अंदृत मतलब झूठ। वाणी में झूठ तो होना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने योग शास्त्र को पढ़ा है, पातंजलि योग सूत्र, उसमें यह सूत्र आता है कि जनरली लोग चाहते हैं कि वाणी की सिद्धि हो जावे। कई बार तो इसके चक्कर में तंत्र मंत्र में इसको क्या बोलते हैं पता है? परवशीकरण, वशीकरण मंत्र। तो अब ह्रीम रोम हाम वो एक वशीकरण, दूसरा है। लेकिन भाष्यकार का जो वशीकरण का मंत्र है, यदि ये दो चीजें वाणी में आ गई कि प्रियता है और झूठ नहीं है वाणी में, तब आप समझ लेना कि आपकी वाणी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। और योग सूत्र में तो ये कहा गया कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है, अब बोलता ही नहीं, सत्य का ही अभ्यास करता है, बोलते हैं उसकी वाणी क्या हो गई, सिद्ध हो गई। ये आपको अपने बुजुर्ग महात्मा संतों में ये चीज देखने को मिलेगी। वाणी सिद्ध के लिए उसने कोई वो मंत्र वशीकरण नहीं जपा। बोले इनकी वाणी फलती है। फलती है मतलब क्या हुआ? जो वह बोलता है वह वाणी सच हो गई। क्यों हो गई सच? इतिहास क्या है इसके पीछे? तंत्र मंत्र? बोले इनकी वाणी ज्यादातर सत्य ही निकलती है, इसलिए ऐसे लोगों की वाणी सिद्ध हो गई, सिद्धि है कहा गया। अब आप जो बोले वो हो जाएगा, होता है ना। इसलिए तो हमने स्वामी जी इसको बोलते हैं कि वाणी जो सत्य है, वाणी में जो सत्य है वो नेतृत्व प्रदान करने वाला, व्यवहार का नेता सत्य है। अब ये साहित्य की पंक्ति, जो नीति मतलब समझते ना, नीति मतलब होता है नयनात नीति, जो आगे की ओर ले जावे उसको बोलते हैं नीति, पायनियर। जो चीज आगे की, इसीलिए नीति शब्द से ही क्या बना है पता है? नेता। जो नीति का पालन करते हुए नेतृत्व प्रदान करता है, कहां ले जाता है? बोले नयनात। कहां ले जाता है? आगे। उसको क्या बोलते हैं? नेता। बोले वाणी, जो वाणी है ये व्यवहार का नेता है। नेता मतलब नेतृत्व प्रदान करने वाला है।
यदि उन्नति नहीं हो रही है जीवन में, तो आप समझ लीजिए कि आपके व्यवहार का नेतृत्व करने वाला गड़बड़ है। भाई व्यवहार का नेतृत्व करने वाला कौन? वाणी। ये आपकी गड़बड़ है, इसलिए कहा गया वाणी के जो श्रृंगार हैं वो कौन है? अप्रिय अनृत। अच्छा, आपने इसके पहले शायद पढ़ा होगा, ये तो दो दे दिए, पूरा आप ले लो श्लोक। बहुत सरल भाषा में कहा जाए, वाणी में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, एक जगह सब समराइज करो आप गीता के संदर्भ। और मेरे ख्याल से इस पर चर्चा हुई होगी, कहीं पहले पढ़ाया होगा, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। बस इतनी वाणी। अभी कहाँ आया है देखना पड़ेगा। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, बस इतनी पंक्ति है वाणी के लिए। क्या बोलते हैं आप? देखो, पहला अनुद्वेग कर्म वाक्यम, उद्वेग कर्म वाक्यम नहीं, किसी को आवेश में ले आवे, उसके मन में चिढ़न पैदा कर दें, उसके मन में कुढ़न पैदा कर दें, वह व्यक्ति दुखी हो जावे, किसके कारण? देखो, इसको बोलते हैं उत्वेग। उत मतलब ऊपर। तो भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? उद्वेग नहीं, कैसा होना चाहिए? अनुद्वेग। इसलिए हमें घर में किसी के वाणी, अपनी वाणी से किसी को उद्वेग नहीं पैदा करना देना चाहिए। वर 17वां अध्याय, तो माफी है, 17वां अध्याय तो पढ़ाया ही नहीं अभी आप। आप तो विद्वान आदमी है। उतद्वेग मतलब अनुद्वेग है ना, अभी आएगा ये। वाणी का जो पहला श्रृंगार है वो देखो आप लाओ अपनी वाणी में, वो ये है कि मेरी वाणी से किसी के मन में हाँ उद्वेग पैदा नहीं होना। अच्छा, गुस्से में क्या करते हैं हम लोग? कभी कभी तो व्यक्ति गुस्सा दूसरा वाला करता है और आवेग में कौन आ जाता है? सामने वाला। इसका मतलब आपने क्या कर दिया? उद्वेग पैदा कर दिया उसके अंदर। हम ऐसा वाक्य बोला कि दूसरा व्यक्ति अपना आपा खो चुका, तो वो जो गलती कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन भाष्यकार के पहला है आपने ऐसा वाक्य क्यों बोला? क्योंकि कहां से बोला? अपनी वाणी से बोला, तो आप दोषी कहलाएंगे। ये वाणी का जो पहला श्रृंगार है समझ में आता है? क्या बोला गया? अनुद्वेग, ठीक है ना। तो दूसरा आभूषण सत्यम। वाह, वाणी में सत्य का ही निवास होना चाहिए, सत्य के अलावा कोई निवास नहीं होना चाहिए। अब ये बार कई बार हमारी आपकी चर्चा में आ चुकी, जिनको वाणी सजाना नहीं आता, और ऐसा कह दूं आपसे, बड़ा रूड बोलूं, जिनको बोलने की तमीज नहीं है, जिनको शब्द का श्रृंगार नहीं पता है, वो लोग ये कहते हैं कि सच कड़वा होता है।
वो लोग ये कहते हैं सच कड़वा नहीं हो सकता, आपके बोलने का जो ढंग है वो क्या है, वो कड़वा है। सच कहां से कड़वा हो सकता है आप सोचो, लेकिन सच को बोलने का जो ढंग है, जो शैली है, जो शब्द है, जो भाव है, वो अगर ठीक नहीं है तो फिर क्या, फिर सत्य क्या बन जाएगा। इसलिए ये तो आप दिमाग से ये कथन लोगों ने जो बना रखा है ना कि सच कड़वा होता है, सच बोलने वाले लोग कड़वे होते हैं, तो सबसे कड़वे तो शिव जी होंगे फिर, जबकि सबसे मृदु शिव जी हैं। रामकृष्ण तो सच ही बोला, तो ये सब कड़वे होने चाहिए। जो अन्य संत महात्मा है वो तो सत्य के बल पे ही चले। तो एक इसमें एक सब लाइन यही जाती है, सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य को बोलने का ढंग कड़वा होता है। इसलिए हमको ये साधना करनी चाहिए कि हमको सच ही बोलना है, लेकिन बोलने में हाँ शब्दों का चयन, जिसको बोलते कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अंडरलाइन, इसको ध्यान में रखिए और सत्य ही बोलिए। तथ्य के अलावा कुछ मत बोलिए। अभी मैं इस पे आऊँगा आपके ऊपर। जो इसका एक भौतिक पक्ष और जो मैं बार बार आपको आध्यात्मिक पक्ष दिखा रहा हूँ, एकदम चलो एकदम सटीक आपको उदाहरण है। यदि हम सत्य बोलते हैं तो आपको पता है एक अचीवमेंट हमें व्यवहार में क्या मिलता है, व्यवहार में आध्यात्मिक पक्ष तो आपने देख लिया, वाणी सिद्ध होती है, लेकिन व्यावहारिक पक्ष क्या होगा वाणी का, जो जगत में आप व्यवहार करते हैं भौतिक। मैं आज की भाषा में कहूं तो जैसे मैं यदि किसी से कहूं या आप किसी से कहें कि हमारे पास पैसा नहीं है और आप हमको ये सामान क्या कर दीजिए, दे दीजिए, ठीक है, और मार्केट में वो आदमी आपको सामान क्या करता है, दे देता है, किस बल पर, किस बल पर, क्रेडिबिलिटी। देखो जी एक बहुत बड़ा पक्ष है व्यवहार का, इसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। यदि विश्वसनीयता की कभी भी आपने भंग कर दी तो आपको व्यक्ति एक सामान क्या, एक चीज देने को तैयार नहीं होगा, यदि आपने क्या भंग कर दी, इसकी विश्वसनीयता। और यदि विश्वसनीयता बना के रखी तो मैं बताऊं व्यक्ति अपराधी भी आपकी जान को बख्श देता है, किस बल पे, किस बल पे, अपराधी भी बोले हाँ, देखो आप दिखा रहे हैं। भागवत में जब देवकी जी विदा हो रही थी, कंस की बहन थी, ठीक है ना, जब वो भविष्यवाणी हुई तो क्या हुई, मारेगा, आठवां पुत्र मारेगा, और उसी समय वो झपट के आया और किसको मारने लगा, देवकी को, सहज ही मारना, क्यों मार रहे हो भाई, क्योंकि यदि ये नहीं रहेगी तो इसका पुत्र भी नहीं होगा तो फिर मेरी तो हत्या नहीं होगी, यही बात थी ना। आप ये बताइए कि किसके कहने पर कंस ने छोड़ा, अच्छा वसुदेव जी में क्या था, वो तो अभी अभी आए थे ना, आप एक तरीके से देखिए तो वो तो दामाद थे ना। ऐसा क्या हुआ कि वसुदेव ने बोला और कंस ने छोड़ दिया, इसका मतलब वसुदेव जी ने उसको ये विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारे छह सातों पुत्रों को लाकर तुमको क्या कर दूंगा,
अच्छा, ये विश्वास दिलाने से आप किसी को विश्वास दिलाओ, विश्वास हो जाता है इतनी जल्दी? करके आओ आप जरा बाजार में, इतनी जल्दी विश्वसनीयता व्यक्ति की बढ़ती नहीं है। फिर व्यक्ति डरता है, ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये इसका मतलब आपके अंदर जो विश्वसनीयता है, क्योंकि ऐसा व्यवहार आपका है नहीं। वसुदेव जी ने जान बचा ली, किस बल पर? क्रेडिबिलिटी के बल पर। इतना होता है, सोचो आप, अपराधी तक भी आपको छोड़ने को क्या हो गया? ये एक दिन के बोलने से नहीं हुआ है वसुदेव जी के, ध्यान रखना। वसुदेव जी का जो चरित्र है वो सत्य से भरा है, युधिष्ठिर का जो चरित्र है वो सत्य से भरा पड़ा है। देखो इसका क्या कह सकते हैं, इसका जो लाभ है वो एक दिन में नहीं मिलता। जब आप गाढ़े समय में पड़ जाते हैं और इतने दिनों तक आपने क्रेडिबिलिटी निभाई है, अब आपको आवश्यकता पड़ गई तो दूसरा व्यक्ति बिना पूछे आपसे कहता है, जो आपको लेना हो, जो आपको देना हो, आप क्या कर दीजिए, वो कर दीजिए। किस बल पर? किस बल पर? विश्वसनीयता। ये सत्य का एक पक्ष है। अब आप ये देखिए कि हमारी और आपकी वाणी में कितनी क्रेडिबिलिटी है। हम इसके बल पर इस एक तरफ वाणी रखते हैं, इसके बल पर हम कितनी चीजें ले सकते हैं ये बताओ। अपना अपना आप सब चेक करो, इसके बल पर हम क्या ले सकते हैं? तो हो सकता है, संभव है, पड़ोसी आदमी भी आपको कुछ देने के लिए तैयार ना। ये है जीवन भर की कमाई, ये है सत्य। हो गया। तो देखो श्रृंगार, देखो आप, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, मिल गया पहला श्रृंगार। वाणी से किसी को उद्वेलित मत कीजिए, ठीक है? जब भी बोलिए, क्या बोलिए? सत्य बोलिए। सत्य बोलते समय शब्दों का चयन ठीक करके रखिए। अच्छा, यही नहीं, सत्यम और उसके बाद क्या है? प्रियम। देखो जी, सत्य बोलने का जो ढंग है वो कैसा होना चाहिए? वो प्रियकारी होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए। मतलब आप बोले ऐसी वाणी बोलिए, ये मतलब क्या है कि आपने इतनी प्रियता से वो बात कही कि दूसरा वाला भी क्या हो गया, आपकी बात को मान गया। जहां सत्य ठीक से बोला जाएगा वहां प्रियता तो होगी ही होगी, ये मान के चलिए। अच्छा, इसके आगे एक और श्रृंगार है, हितम। वाणी ऐसी बोलिए जिससे किसी का क्या होवे? हित होवे। संभव है कि वह सत्य होवे। इसका वो इको थोड़ा बढ़ा दीजिए। संभव है कि सत्य होवे, लेकिन हो सकता है वह किसी के लिए बढ़ा दे, हो सकता है किसी के लिए वो हितकारी ना हो। तो अपनी वाणी में ये भी देखिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये इसका हित करेगा कि नहीं करेगा। देखो जी, अब पूरा वाक्य बना लीजिए और इसका अभ्यास कीजिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए वाणी में? अनुद्वेग कर्म वाक्यम, सत्यम, प्रियम, हितम। बस अब ऐसी बना बना के बोलिए थोड़ी बढ़िया, थोड़े दिन में आपको अभ्यास हो जाएगा। अच्छा, होना क्या चाहिए? नहीं बोल पाए तो गलत मत बोलिए। तो क्या कीजिए? चुप हो जाइए। भाई किसी को उद्वेलित करने से तो अच्छा है कि आप क्या हो जाइए? चुप हो जाइए। नहीं है,
झूठ बोलने की तो अपेक्षा है कि आप क्या हो जाइए, चुप हो जाइए, झूठ क्यों बोले। तो ये भी मैं आपको, एक दिन का खेल नहीं है ये एक दिन में नहीं आता। यानी इतने सालों तक व्यक्ति जीता है तब उसकी वाणी में ये सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा, ये आपको हमने भौतिक पक्ष और इसका व्यावहारिक पक्ष दोनों दिखा दिए। अब इसके आध्यात्मिक पक्ष की बात कर लीजिए जरा। स्पिरिचुअलिटी में जो सत्य है वो आपके अंदर क्या चेंज लाएगा? एनी गेस? ये तो हो गया समझ लीजिए व्यवहार में। तेज की बात तो ऐसी नहीं कही गई। हाँ, एक बहुत अच्छी चीज डेवलप होती है वो ये है कि अब मेरा जो प्रेम है वो सत्य के प्रति क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ध्यान रखना, स्पिरिचुअलिटी का लेना देना बुद्धि से है। अब मेरा जो सच के प्रति प्रेम है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं सच सुनना चाहूंगा, सच बोलना चाहूंगा। हाँ, जो लोग सच कहेंगे मैं उन सच को क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा। तो अच्छा, इसका दूसरा हिस्सा क्या हो गया फिर, जब सच के प्रति प्रेम बढ़ा तो इसको आप ऐसा बोलिए, आप इसको व्यवहार में अपने यहां पाते होंगे जगत में, बनावटी प्रेम से आपको नफरत होने लगी है। ये देखो आप कहां से फायदा मिलता है। ये तभी होगा जब उधर आप बड़े होंगे, वरना मैं ये भी बताऊं आपसे, लोग बनावटी प्रेम को भी रेवल करते हैं, जबकि ये पता है कि ये सामने वाला जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, उसके बाद भी हमको अच्छा लगता है। अब आप क्या बोलोगे, ये पता है कि झूठ बोल रहा है इसके बाद भी मेरे चित्त को अच्छा लग रहा है, और बढ़ा लीजिए इस प्रेम को। ऐसे लोगों के प्रति वैतृष्णा हो जाती है व्यक्ति। अब और आपसे क्या बोलूं, व्यक्ति हेय की निगाह से देखता है किसको, वो ऐसी जगह जाना नहीं चाहता जहां बनावटीपन होए, ऐसी जगह जाना नहीं चाहता जहां दो गुलापन हुए। ये सिद्धि कहां से आ गई, क्योंकि अब आप धीरे धीरे क्या बढ़ने लगे। कभी कभी आप ये चिंतन को, व्यक्ति जब अध्यात्म की ओर बढ़ता है तो उसको वो पार्टी और ये जो जगत का एक कल्चर है उससे कि नफरत क्यों हो रही है। उसे क्या गलत है सब लोग क्या वहां पे, ऐसा तो नहीं कह सकते, सब पढ़े लिखे लोग हैं, और संभव है किसी को वही अच्छा लग रहा हो। जो सत्य प्रेमी नहीं है उसको यही अच्छी लगती है, कितना बड़ा घर, कितनी बड़ी पार्टी, कितना बड़ा पेपर, कितना बड़ा नाम, उसको ये बहुत आकर्षित करती हैं सब चीजें। लेकिन जैसे ही उसके अंदर सत्य के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है तो उसको ये जो बनावटी चीजें हैं उससे वो चीज क्या होता गया, वो दूर होता गया, दूर होता गया, दूर होता गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो चलने की आधार है वो क्या है, सत्य, और यहाँ मुझे जो बातें हो रही हैं वह सत्य वाली। तो धीरे से वो क्या हो गया, विरति की ओर चला गया। ये है इसका कारण। और जहां सत्य नहीं है वो तो बनावटी लोगों से क्या होगा, फिर तो घिरा होगा। ये फायदा कहाँ मिला आपको जाके? अब ये मैं तो आपको इतना यहां कह नहीं सकता,
अब वो हर चीज में रेवल कहां करेगा पता है, जहां सच हो गए सब कुछ ली। अब जो लोग पढ़ते हैं उसको अन्यथा मत लीजिए, ऐसे उपन्यास को डस्टबिन में डाल दीजिए, ऐसे उपन्यास को डस्टबिन में व्यक्ति डाल देगा जो जीवन दर्शन की बात, देखो जिसको बोलते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड, जो संभव नहीं है, जो होता नहीं है, और आप उसकी उसकी सब क्या कर रहे हैं, ये उपन्यास क्या है? अच्छा हाँ, उसको फ्रिक्शंस, उसमें आपने कभी पढ़ा? हम लोग तो खैर, मुझे तो ये चीज, एक प्रश्न मैंने बहुत पहले उठाया था, ये इंग्लिश में जब मैंने इसलिए छोड़ दी थी लिटरेचर, उसमें वो मैडम थी प्रोफेसर, जो लेक्चरर थी, वो पोएम पढ़ाती थी। अब पोएम वो पढ़ाती थी कि तारे टिमटिमा रहे हैं, सब फूल निकला है, वो कवि आया, वो प्रेमी ने इसको इधर देखा, और मुझे ऐसा लगता था ये कभी सच, ये सब कहाँ, तारे टिमटिमा रहे हैं, उसके अंदर से किरणें आ रही, वो प्रकाश हो रहा है, ये सब, ये तो सब पिक्चरों में दिखता है ना ये सब आपको। अब जो चीज सच में हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती, और मैं उसको पढ़ पढ़ के अपना क्या कर रहा हूं, अब आप बताओ इससे टाइम वेस्ट और क्या हो सकता है। इसलिए आप देखना, बहुत अच्छे स्पिरिचुअलिटी की पाथ पे चलने वाले लोग उपन्यास में अपना टाइम वेस्ट, लेकिन आपसे बताऊं कई लोग ऐसे होते हैं, वो मोटे मोटे उपन्यास पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़, अच्छा मिला क्या? कुछ नहीं। तो जो जो उपन्यास जीवन दर्शन को ना बताए, देखो जी वो साहित्य क्या, जो लोग लिटरेचर के शौकीन होते हैं, वो साहित्य, साहित्य क्या जो आपके जीवन दर्शन को सामने न लावे। तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं पता है, स्पिरिचुअल लेवल पर वो वहीं रेवल करना पसंद करता है जहां पर वातावरण कैसा है, फ्रिक्शंस में रेवल नहीं करता। और आखिरी आध्यात्मिक, अब सत्य को धारण करने की जो सामर्थ्य है किसकी, स्वयं की, वो भी इंक्रीज होने लगती है। अभी आपसे कोई सत्य बोल दे तो आप उसको तुरंत फटाक से जवाब दे देता है, आदमी तुरंत उसको रेपल करता है, जवाब देता है। लेकिन जैसे ही वो सत्य प्रेमी होगा तो जो उसकी सामर्थ्य है, क्या कह सकते हैं आप, स्टेमिना, वो क्या होने लगता है, वो बढ़ने लगता है। किस लेवल पर? स्पिरिचुअल लेवल पर। हो गया कि नहीं हो गया? अब पूरे इसको आप कवर कर लो, वाणी का श्रृंगार, सत्य अनुद्वेग करम व्याक्यम, सत्यम प्रियम हितम, सत्य कभी भी कड़वा नहीं होता, उसके जो बोलने का जो ढंग है वो कड़वा होता है, हैं? एक फायदा आपके ये है कि आपको वाक से दी आ सकती है, एक फायदा आपको मैंने बताया कि आपकी बाजार में क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है, जैसे देव की, और एक फायदा है आध्यात्मिक स्तर पर कि अब आप बनावटी लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, बस हो गया, इतना काफी है, बस इतना ही की अभ्यास करो आप। आइए नेक्स्ट आइए, अहिंसा सत्यम, नेक्स्ट क्या है, अक्रोध, क्रोध नहीं, क्या है, अक्रोध। भाष्यकार ने क्या परिभाषित किया क्रोध को, देखो आप सुंदर है, देखो क्रोध,
क्रोध का जन्म कैसे हो गया? परैहि आकृष्टस्य परैहि आकृष्टस्य, मिल गया भाष्य में आपको, किसी दूसरे के कुछ कहने पर, यही नहीं कुछ क्या कह सकते हैं, अभिहतस्य, अभिहतस्य मतलब थोड़ा उसने लेवल अपना क्या कर दिया, बढ़ा दिया, आपको धकिया दिया, थोड़ा थोड़ा आपको उसने हर्ट कर दिया, तो क्या हुआ? बोले जो क्रोध है वो अंदर था, वो क्या हो गया, प्राप्त हो गया। देखो जो क्रोध था उसकी प्राप्ति कब हो गई, जब दूसरे ने हमको क्या किया, हर्ट कर दिया या हमको धकिया दिया, ऐसा कुछ करने पर जो वृत्ति उठती है उसको क्या बोलते हैं व्यक्ति, क्रोध। इसमें कोई संशय भी है परिभाषा में? आकृष्टस्य अभिहतस्य, मिल गया। अब मान लीजिए, अब इस पे भी इतनी कंट्रोवर्सी होती है कि बिना क्रोध के जीवन है या नहीं, या क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या सलाह है आपकी? हाँ भाई, मान लीजिए हमारे पूजनीय व्यक्ति को, माता को, पिता को, गुरु को, देश को, किसी ने कुछ कहा तो आपके मन में क्या आ गया? अच्छा, अब क्रोध से मैं उसको क्या करना चाहता हूं? क्रोध ऐसे ही शांत नहीं होता है। क्रोध के साथ ये कि वह दूसरे को क्या देना चाहता है, सबक देना चाहता है। अब जो भी शब्द यूज करना, जिसने मुझे ये दिलाया क्रोध व्यक्ति, उससे अब क्या चाहता है, मैं अब इसको ठीक करूंगा। यही तो, इसीलिए तो वो क्रोध ही कर रहा है, और किस लिए कर रहा है क्रोध। अब यदि क्रोध के साथ, देखो क्रोध के साथ क्या है, अगर उस इच्छा में, बहुत सावधानी से बोल रहा हूं, अगर वह इच्छा आवेश बन गई, आवेश बन गई, तब वह क्रोध बन जाती है। इच्छा कभी भी आवेश बनने ना पावे, इसको सदैव याद रखिए। क्रोध करते समय भी आवेश में ना जावे। अच्छा देखो, जब हम पुत्र पर क्रोध करते हैं तो आप क्या कहेंगे, वह क्रोध है कि आवेश है? जब पुत्र पे क्रोध करते हैं तो क्या है, एक सिंपल व्यक्ति, आपने क्या किया, उसको क्या कर दिया, डांट दिया। लेकिन कभी कभी ये डांट व्यक्ति की इतनी बड़ी हो गई, और बोलूं अब इसी को, जैसे ही व्यक्ति का विवेक हटा, विवेक हटा और चढ़ा कौन, आवेश, तब आप समझ लेना क्रोध बन गया। इसको और अच्छे से समझिए, मतलब दंड के साथ, अब पर्टिकुलर हो रहा हूं मैं, दंड मतलब किसी को देने के लिए ना, दंड के साथ जब मैं किसी को दंडित करता हूं तो दंड के साथ विवेक लगा है कि आवेश, सोचिए जरा। जब हम किसी को दंडित करते हैं और उसके साथ क्या मिल गया है, बन गया है आवेश, तो ये बड़ा खराब है, फिर तो समाज के लिए ये खराब है।
लेकिन यदि दंड के साथ हाँ विवेक बन के आ रहा है, दंडित कर रहे हैं, क्रोध तो कर ही नहीं, लेकिन क्रोध के साथ साथ विवेक जीवित है तो वह पूजनीय है। मेरे ख्याल से आप जो मैं कहना चाहता हूं पकड़ पाए होंगे। मेरे क्रोध करते समय आप सब लोग अपना अपना आप अपना अपना चेक करो, मैं जब क्रोध करता हूं तो विवेक उपस्थित होता है कि नहीं होता है? और यदि विवेक नहीं है तो उसके स्थान पर कौन होगा? फिर आवेश होगा। और चलो और परंपरा देखा, यदि क्रोध के पास आवेश मिल जाता है तो कौन सी स्थिति आती है? फिर व्यक्ति कहता है मैं वह कर बैठा जो मुझे नहीं करना चाहिए, ये आ गया, मैं वह कर बैठा जो मुझे नहीं करना चाहिए। इस स्थिति को क्या बोलते हैं पता है आपको? क्रोधात भवति सम्मोह, ये है। सम्मोह मतलब क्या है? जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने कर दिया, और जो मुझे करना चाहिए मैं वो नहीं कर पाया। जब भी हम क्रोध करते हैं, मैं नहीं कहता कि क्रोध के बिना काम नहीं चलता, सच है, लेकिन मेरे क्रोध के समय अगर आवेश चढ़ गया, देखो जी, और आवेश चढ़ गया इसका मतलब क्या हो गया पता है आपको? विवेक हट गया। अच्छा आप देखो, जब एक जनरल युद्ध करता है मिलिट्री का ब्रिगेडियर, तो किस वृत्ति के साथ करता है? अगर वो आवेश के कारण करेगा ना तो अपनी पूरी आर्मी को खो बैठेगा। दंड तो देता है, क्रोध तो करता है, लेकिन किसके साथ? विवेक के साथ। इसलिए कहा गया कि जो क्रोध है वो सदैव विवेक के अधीन होना चाहिए। विवेक के अधीन मतलब समझते हैं? विवेक का अधीन मतलब है कि मुझे जहां तक क्रोध करना है मैं उससे ज्यादा लिमिट को क्रॉस नहीं करूंगा। देखो जी, अगर कभी आपने बच्चों को इतना मारा, इतना हर्ट कर दिया कि अब उसका अंग ही भंग हो गया, ऐसा भी तो करते हैं अभी आजकल आप न्यूज में पढ़ते हैं, स्कूल में उसको इतना मारा कि उसका हाथ ही ये हो गया, उसका पैर, तो ये क्या हो गया? फिर तो आपने क्या कर दिया? आवेश दिखा दिया। लेकिन यदि उसको पनिशमेंट दिया जाता है किसके साथ? तो अच्छी बात है। हम और आप जब भी क्रोध करें तो ध्यान रखिए कि क्रोध के साथ हाँ आवेश नहीं हो, क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। विवेक जितना क्रोध करना हो कीजिए, बड़े हैं तो जो आपको जहां कंपनी में, जिस परिवार में, जिस संस्था में आप रहते हैं वहां कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए क्रोध के साथ आपका जो विवेक है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे आर्मी करती है, इतना कंट्रोल्ड क्रोध होता है कि जहां वार करना है उससे ज्यादा नहीं, तो पता लगा आपने दूसरे का भी नुकसान कर दिया, उसके साथ आपने अपना स्वयं का भी क्या कर दिया। अब आध्यात्मिक तो आप कितने नीचे आ गए क्रोध के साथ पता है आपको? जितनी मन की शांति थी, मान लो अच्छा अभी आपने इतना अच्छा पढ़ा, ध्यान किया, और दो घंटे घंटे में जाके आपने इतना जबरदस्त गुस्सा किया, तो ये जो पढ़ाई लिखाई थी वो क्या हो गई? उसी के साथ धीरे से निकल गई, हो गया। क्रोध करने में कितना टाइम लगा? 2 मिनट। गेन करने में कितना टाइम लगा? 1 घंटा। सोचो, हम जो शक्ति को अपने में संचित करते हैं उसमें कितना समय लगता है, कितने वर्ष लग जाते हैं व्यक्ति को,
और क्रोध करने में क्या लगा, एक मिनट। इसलिए एक सूत्र ही दिया कि आपको बताऊं। अब इस सूत्र को सदैव याद, प्रवृत्ति का प्रेरक सदैव विवेक होना चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, ये पंक्ति क्या बोली गई, प्रवृत्ति मतलब प्रोसीड करना है, आपको आगे बढ़ना है। नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। आपको तो बुरी चीजें भी अच्छी लगती हैं। मेरी इच्छा, मेरी च्वाइस, मेरी प्रवृत्ति का प्रेरक मोटिवेटिव फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये जीवन में बना के रखिए। कर्म के प्रवृत्ति का प्रेरक, हाँ बस विवेक, इसको यूज करिए खूब, तो आप कभी फंसेंगे नहीं गलत जगह। और अगर इच्छा के अनुसार किया, अपनी च्वाइस के अकॉर्डिंग, तो आप कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो प्रवृत्ति का प्रेरक क्या हो गया, विवेक। अच्छा, अब इसी को गीता में, पता है आपने इसके पहले पढ़ा, काम एष क्रोध एष रजोगुण। तो देखो आप आध्यात्मिक लेवल पे कहां पे आ गए, क्या पैदा किया था आपने, सत्वगुण, बड़ी मुश्किल से। ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या चाहिए, सत्वगुण, और आपको लाके पटक कहां दिया, देखो हो गया पतन आपका कि नहीं हो गया, गए काम से आप। अब यदि कामना के अधीन कोई व्यक्ति होवे इस समय भी, तो आपको पता है उसके अंदर जो ग्राह्य शक्ति थी वो क्या हो गई, चली गई, ग्राह्य शक्ति तो गई। इसलिए आपको पता है जो कामना है उसको क्या बोला गया, पता है, महाशनौ, और उसको क्या बोला गया पता है, महापापमा। ये कहां आया है शब्द, ये दूसरे तीसरे अध्याय में आया है। कामना पेटू है ना, दूसरे अध्याय में जो कामना है वो कैसा है पता है, पेटू है। पेटू है मतलब कितनी भी पूरी कर दो ये कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। कौन है ये कामना है, इसलिए क्या बोला पता है, महाशनह। महाशनह मतलब पता है, अशनह, ये खूब खाने वाला है। कौन, तो आप पूरी करते रहो, जीवन भर ये मांग करता रहेगा, आप पूरी करो, जीवन भर मांग करेगा, पूरी करते रहो। अच्छा, इसके साथ दूसरा एक है, वो कौन है, क्रोध। बोले ये जो भी क्रोधी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं पाप जरूर कर बैठेगा। क्रोधी व्यक्ति पाप किए बिना रहेगा नहीं, आपको बता, इसलिए क्या बोला, महापापमा। मिल गया, अब कहां ये देखिएगा। अच्छा, तो आप ये समझिए, अनिष्टकारी है, क्या समझिए इसको, जो क्रोध है ये अनिष्टकारी है, आपके लिए कभी भी फायदेमंद के लिए कभी ये सौदा नहीं होगा। अच्छा, अब आवेश मतलब जिसको मैं कह रहा हूं ना, इसको पता है आपने कभी इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, एक चक्रवात जैसा बनता है, बवंडर, बवंडर देखा है अपने, हवा का ऐसा 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 बनता है, वो क्या करता है, अगर आप उसमें एंट्री कर गए तो आप जहां होंगे आपको वो नहीं पता लगेगा, कहीं जाके आपको दूर जाके फेंकेगा, इसको बोलते बवंडर। ये बना, ये आवेश क्या है पता है, अगर इसमें आप वेश कर गए, घुस गए, एक बार भी आवेश आ गया आपको, तो आपकी जो स्थिति है उससे दूर कहीं ले जाकर आपको क्या करेगा, छोड़ेगा। कौन, आवेश। अच्छा, हमारे यहां कहा गया, आपसे बताऊं कि स्पिरिचुअलिटी का भी आवेश खराब है, बना ना,
अर्जुन को कौन सा आवेश आया था? तम तथा कृपया विष्टम, ध्यान रखना, आवेश था किस बात का? कृपा का। भगवान ने उसको क्या जवाब दिया? कश्मल नपुंसक। आप देखो क्या भगवान क्या जवाब, वो कृपा की बात कर रहा है कि मुझे कृपा का आवेश आ रहा है। भगवान भगवान बोलते तुम नपुंसक हो, तुम्हारे अंदर कीचड़ भरा हुआ है, ये है। देखो यही इसका जवाब है, किसी भी चीज का आवेश अच्छा नहीं माना जाता। मतलब अब आवेश इतना आ गया किसी चीज का, ओ हो, तो आपने सब चीजें जीवन की अस्त व्यस्त कर दी क्योंकि आवेश चढ़ गया किसी चीज का। अब प्रवचन का आवेश चढ़ जाए तो सुबह भी आप भागे चले, दोपहर कहीं और आश्रम भाग गए, शाम को कहीं और भाग गए, तो आपको बताऊं ये जो सफर है ये थोड़े दिन तो चलेगा, फिर घर वाले ही आपको धीरे से क्या कर देंगे, आप बाहर ही जाओ। अब यही होगा ना, क्या वो हितकारी है? भाई एक सत्संग कर लिया आपने, कहीं करें, एक सत्संग हो गया, चुपचाप शांति से अपना क्या कीजिए, काम धाम कीजिए। बट आप सदैव मंदिर पूजा पाठ उपवास सब इन्हीं के बीच में और 24 घंटे घिरे हैं, और आपके पास अभी काम धाम है, बीवी बच्चे घर और आपका ये, तो आपको तो बाहर करें, तो इसमें क्या गड़बड़ किया उन्होंने? क्योंकि आपको क्या चढ़ गया है? आवेश। और आवेश व्यक्ति का बड़ी जल्दी उतरता भी, आपको ये भी बताऊं, जहां झटका लगा वो बराबर आके नीचे। इसलिए भगवान ने कृपा के आवेश को भी क्या बोल दिया पता है? कश्मलम, कीचड़ है तेरे अंदर। इसलिए ज्यादा किसी चीज का कोई भी आवेश कभी अच्छा नहीं माना गया, हो गया। अब इसके साथ और बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी। एक तो क्रोध आपके सम्मोह को पैदा करता है। अब इसका एक सरल उपाय अच्छा आपको बता दें, वो आखिरी बात का। इसका एक सरल उपाय ये है कि ध्यान का अभ्यास बढ़ाइए। बोले ध्यान के अभ्यास से क्या होगा? जब ध्यान होएगा ना, तो एक चीज आपको पता लगेगी, एक वृत्ति दूसरी वृत्ति से अलग है, ठीक है? एक वृत्ति दूसरी वृत्ति से अलग है। और जैसे ही आपको ये क्रोध की वृत्ति पता लग गई कि मुझे क्या आ रहा है, तो आप धीरे से अपने आप क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। आवेश में व्यक्ति तब बहता है जब उसको ये पता ही नहीं लगता है हाँ कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको ही तो बोलते हैं आवेश। ध्यानाभ्यास का जो साधक है थोड़ा, वो क्रोध में इतनी जल्दी पड़ता नहीं, आपसे बताऊं वो, क्योंकि वो ध्यान में ये पता लग जाता है कि मेरे अंदर कौन सी वृत्ति हो रही है, उठ रही है, मुझे इस वृत्ति को एंटरटेन नहीं करना है, ये उसने वहां पता लगा लिया। और एक सरल बात और बोलो, आयुर्वेदिक स्तर पर है, यदि शरीर में पित्त की प्रधानता होवे और पित्त की प्रधानता से उपवास किया जावे, ये भी एक छिपा कारण है, अपनी प्रकृति जानिएगा। शरीर में तीन ही चीज होती है, वात पित्त, पित्त के साथ उपवास क्रोध का जन्म देता है। आप इसलिए ध्यान देना, जब भी हम उपवास करते हैं उस दिन हमारा स्वभाव थोड़ा क्रोधी। स्वामी जी थे ऐसा बोलते थे कि एक पंडित जी थे, वो दिन भर 18 अध्याय का पाठ करते थे, सुबह से दोपहर में पूरा 18 अध्याय 3.5 घंटा। तो जैसे ही 17वां अध्याय आता था लोग भागना चालू कर देते थे वहां से। 13 अध्याय तक तो कुत्ता जानवर बिल्ली सब बैठ जाते थे पास में, सब गांव वाले आ जाते थे, लेकिन जैसे ही 17वां अध्याय आता था लोग वहां से भागना, क्योंकि आप देखो आप उस सवेरे से पाठ करने बैठा होगा और पाठ करते करते क्या हो गई है,
दोपहर और दोपहर बज रही है, पित्त प्रधान हो गया है और भूख लगी है, और उसके बाद कहीं व्यक्ति को खाना बनाना हो तो ये पंडित जी साधु लोगों के साथ होता है, उसके बाद यदि भोजन खुद आपको बनाना हो तो पंडित जी को बोलते थे ओहो बड़ा विकराल रूप दिखता है, 18वां और 18वां अध्याय होता था तो उसके बाद क्रोध की ज्वाला ही भड़कती थी एकदम। सोचो ये आप लोगों के साथ में भी है, जिस दिन उपवास होता है और आप नवरात्र में, तो और अच्छे से वॉच करो, व्यक्ति महा चिड़चिड़ा होता है, आप उसी दिन उससे विवेक की बात नहीं कर सकते जिस दिन वो उसकी की करे। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना अन्न तो गया नहीं है, पित्त प्रकृति बढ़ गई है, तो पित्त प्रकृति बढ़ी और अन्न ना मिला तो क्रोध का जन्म स्वाभाविक है। तो आप ये जानो कि क्रोध कहां से आ रहा है तो उसकी शांति कर सकते हैं। इसलिए इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि इस स्तर पर यदि हमारा कहीं क्रोध बढ़ रहा है तो उसको भी क्या करना है, शांत करना है। कल देखते हैं।